हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ से जो आपका ट्वेल्थ चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 12.2 आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। इससे पहले जो रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क एंड एक्सरसाइज 12.1, सारे मैंने अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 230 पर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है जिसकी रेडियस 6 है। ये आपका सेक्टर है AOB, जहां पे ये आपको एंगल बता रहा है 60 डिग्री। आपसे कह रहा है रेडियस 6 है और एंगल AOB 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बोल रहा है ना एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये क्वेश्चन रहता है कि सर, उसने हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि माइनर और मेजर। बच्चों, जब तक आपसे वो मेजर बोलेगा नहीं, जैसे इसने बोला नहीं अभी कुछ भी, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, तब तक आपको माइनर ही मान के चलना है, ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, उसने एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, जो कि एक एक्यूट एंगल है, 180 डिग्री से छोटा है इसीलिए भी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक वो ना बोले फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब तक आप मेजर नहीं निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखने का तरीका देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे लिखना है। थीटा आपको 60 दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, ऐसे पहले गिवन चीजों को लिख दीजिए। चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर के बच्चों यहां पे जो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह 60 दिया है, पाई की कुछ वैल्यू नहीं दिया तो मैं 22 अपॉन 7 ही रखूंगा और रेडियस की जगह 6। 60 से ये 6 टाइम्स कैंसिल, 6 से ये पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 6 कर लेते हैं तो 132 अपॉन 7, जिसे डिवाइड कर लेते हैं, 7 वन जार 7, 62 बचेगा, 7 से 62, 7 एट जार 56, तो कितना बचा 60, और 60 के बाद में आपका फिर से 8056, 40 बचा 5 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया। सेक्टर क्या होता है बच्चों, एक नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है, सेक्टर इज द एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, आर्क और दो रेडियाई के बीच के एरिया को सेक्टर कहते हैं। ये वन मार्क में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसका फिलहाल में एरिया आ रहा है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर दिया है, पे लिख दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसे सर्कल का जो है यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस, उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि क्वाड्रेंट आप सबको पता होगा क्या होता है, क्वाड्रेंट किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिएगा, सपोज ये सर्कल है, तो बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, अगर मैं पूरी लाइन बनाऊंगा तो। एक तो तरीका यहां पे ये है कि आप एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 निकाल दीजिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल आता है। दूसरा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सेक्टर टाइप भी तो है, क्योंकि यहां पे क्वाड्रेंट का हमेशा पता है एंगल 90 डिग्री होता है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये सेक्टर का एरिया भी तो इसमें लग सकता है, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है। बिल्कुल लग सकता है, कैसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो मैं जो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला उसी से करा देता हूं, लौट करके वही फॉर्मूला बन जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। सबसे पहले लेकिन मेरे पास रेडियस होनी चाहिए, जो कि मुझे गिवन नहीं है, बट मुझे क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस। मुझे सी दे रखा है 22, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, जो दिया है आंसर उसी से आएगा 2πr। पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 22 अपॉन 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स आर आ जाएगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, सही है, आर की वैल्यू पाई आर, हाँ सही है।
अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए सीधी सी बात है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वैसे तो मैंने आपको बताया ना 1/4 πr² होता है, एक सर्कल का 1/4 पार्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा सेक्टर के फॉर्मूले से करना चाहे तो भी वही आएगा, लेकिन करने का तरीका बता देता हूँ। यही लगेगा θ/360 πr², बट वहां पे थीटा कितना है 90, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7/2, 7/2 ये ऊपर निकाली है। अब आप खुद भी देख सकते हैं, देखिए 4 times कट गया, वही बन रहा है 1/4 πr² 7 से 7 और ये 2 से 11 और तो कुछ नहीं बचा। ऊपर 7 × 11 = 77, नीचे 2 × 4 = 8 ये बचेगा। अब 8 × 9 = 72, 50 बचा, 8 × 6 = 48, 20 बचा, 8 × 2 = 16 और 4 बचा, 8 × 5 = 40 cm². समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे निकल के आता है 9.625 cm². आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको आज ये 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आगे के जो 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 क्वेश्चंस हैं अगली वीडियोस में, छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पेजेस के लिंक दे दूंगा जहां आप मुझे इंस्टा, फेसबुक पेज कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, आप मुझे अकेडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है MOHITA, अगर आप इसे यूज करेंगे तो अकेडमी पे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। MOHIT कैपिटल A, सारा कुछ कैपिटल, ठीक है। थैंक यू सो मच।